और ये सरकार के पास एक बड़ा खतरनाक साधन होता है, ऐसी टैक्स सीधे सीधे डालेंगे तो वो पेन पिंच लगेगा, लोग इमीडिएटली इसके सामने रेबेल करेंगे। तो कोई गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स बढ़ा के फॉर एग्जाम्पल 50% कर देती है तो कल धमाल चालू हो जाएगी। पर इन्फ्लेशन का ऐसा है कि वो हमको बिना बताए हमारी पॉकेट में जो मनी बैठी है उसका पावर कम कर रहे हैं और वो परचेजिंग पावर वो हमसे चुरा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल एनार्की फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े हैं मधुसूदन राज जी के साथ, जो हमारे रिटर्निंग गेस्ट है, जो काफ़ी शो पे आते रहते हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलग अलग विषय पर। मधुसूदन राज जी जो है वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है, वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक से काफ़ी अलग होता है। तो आज हम उनके साथ जुड़े हैं, इस विषय पे बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ है हमारी कंट्री में, उसका भारत और भारत के लोगों और अर्थशास्त्र पे कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मधुसूदन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योहन, आपका बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आपके चैनल पे बुलाने के लिए और मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए। थैंक यू। जी, जैसे दर्शक जानते होंगे, मैं मेरे चैनल पे इस कोरोना वायरस के अलग अलग विषयों का और साइंस का काफी कवरेज कर रहा हूँ, पर जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बात है, इसमें मधुसूदन जी से ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत साल जिंदगी के इसको स्टडी करने में लगा दिया है। इसके पहले हम बात करें उस पर, मैं आपको खाली बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने इकोनॉमी को बंद कर दिया, और जैसे ही लॉकडाउन उठेगा जहाँ हमने बंद किया था वहाँ से ही शुरू होगा। तो इस पर आप थोड़ा क्लैरिटी डालिए। इकोनॉमी कोई मशीन नहीं होती है योहान के, जिसको आप चालू बंद कर सको। इकोनॉमी एक ऑर्गेनिक सिस्टम होती है और आपने उसको जरा भी बंद कर दिया तो उसको धक्का लगेगा, फिर वो वहां से चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बीच में लॉस हो गया उसका आप क्या करोगे। अगर अर्थशास्त्र समझना है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, वो हमें समझना पड़ेगा। कॉस्ट जिसको हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो लॉकडाउन करा और नहीं करते तो अब लॉकडाउन करने से जो चीजें जाती रहीं, जो भी वेल्थ प्रोडक्शन होना था वो चला गया, जो अपॉर्चुनिटीज थी वो निकल गई, वो गई, अब वो वापस नहीं आ सकती हैं। हमारी लाइफ में एक चीज ऐसी है कि जो गई वो गई, जो समय चला गया उसको आप वापस लेके नहीं आ सकते हो। जो इतने करोड़ों लोग बेकार हो गए वो हो गए, जिनकी नौकरियां छूट गई उनकी छूट गई, जो मरने वाले थे वो मर गए, अब वो मरे हुए लोगों को क्या हम वापस लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो माइग्रेंट लेबरर मर गए हैं ट्रेन में कट के या एक्सीडेंटों में या भूखमरी से, मैंने सुना है ये जो ट्रेन में वो जो अपने गांव वापस जा रहे हैं उसमें कुछ 100 लोग, 80-100 लोग ट्रेन में मर गए, बिकॉज ट्रेन जो है वो पता नहीं कौन से स्टेशन पे पहुंचे जा रही है, एक दिन लगना चाहिए वहां 3-3 दिन लग रहे हैं। अब ये जो जान जो जिनकी चली गई, और ये जो जान जिनकी गई है वो सब जवान लोग थे, सब प्रोडक्टिव मेंबर थे हमारी सोसाइटी के, अब इनकी जान थोड़ी वापस आएगी तो कहाँ से, जहां से बंद किया था वहां से शुरू कर पाएंगे। अगर ये जान कोई वापस लेके आ सकता है तो मैं मानूंगा कि जहां से हमने बंद किया था वहां से हम शुरू कर सकते हैं। सो जो डैमेज होना था इकोनॉमी को वो तो अब हो ही गया है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर आपने सेंसिबली लॉकडाउन नहीं डाला होता तो इतनी समस्याएं होती नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा इकोनॉमी लॉकडाउन से पहले भी बहुत खराब चल रही थी, बहुत बदतर चल रही थी, जीडीपी जो थी वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी और इन्फ्लेशन था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी थी वो ये बबल है वो बर्स्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको आपने और एग्जाबरेट कर दिया और उसको खराब कर दिया है। तो
अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो बहुत सारी चीजें आप साल्वेज कर सकते थे। अब आपने अपने आप को और गहरे खड्डे में डाल दिया है, तो गहरे खड्डे में डाल दिया है तो बाहर निकलने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ही खड्डे में इकोनॉमी जा रही थी और उसके ऊपर से आपने खड्डा और गहरा कर दिया, तो मुश्किलें तो ऑलरेडी थी नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से, अब लॉकडाउन की वजह से और हालत खराब हो गई है। और प्रॉब्लम ये है कि इससे निकलने के लिए जो सही उपाय है वो भी तो सरकार नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे कि सरकार को हट जाना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी को अपने आप से काम करने देना चाहिए, उनको अपने साइज जो है, अपने कद जो है, गवर्नमेंट को छोटा कर लेना चाहिए, अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। सी अगर हम और आपके घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम क्या करेंगे, हम अपना खर्चा कम कर देंगे, हम अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, स्पेशली दूसरों को लूट के हम अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आमदनी बढ़ाना इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत राह भी देखनी पड़ती है। खर्चा बढ़ाने के लिए बिल्कुल राह नहीं देखनी पड़ती। आपने आज डिसाइड कर लिया है कि भाई कल से हम इतना चीज नहीं खर्च करेंगे, अपना कट डाउन करेंगे कंजम्पशन पे, तो फिर आपका बजट जो है वो बैलेंस हो सकता है। सी एट द लीस्ट गवर्नमेंट को अपना बैलेंस बजट जो है उसको बैलेंस करना चाहिए था सबसे पहले, और फिर हो सके उसको सरप्लस में ले जाने की कोशिश करते, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ब्रेक्स देने चाहिए थे। टैक्स ब्रेक की बात जाने तो उनको टैक्स लगाने नहीं चाहिए, उनको निकाल देने चाहिए थे। अगले 5 साल तक बोल दो कि ना कोई इनकम टैक्स होगा ना कोई जीएसटी होगी, आप देखो इकोनॉमी एकदम से ऊपर आ जाएगी, बिकॉज लोग तो काम करने के लिए रेडी हैं, बट सरकार के जो कायदे कानून हैं जो इतने सारे पेचीदा हैं उसकी वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो पर जैसे ऑलरेडी आप कह प्रॉब्लम है। रहे हैं, अब जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार और हमारे घर में कंपैरिजन कर रहे हैं आप, अगर वो एक्चुअली हम कंपैरिजन करने जाए और सरकार को हम इंडिविजुअल या फैमिली के लेवल पे समान माने, तो वो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो करते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार को सिर्फ दो चीज़ें ही आती है, हमसे चुराना या कर्ज में जाना। मैं बहुत लूजली कंपेयर कर रहा हूँ, हम उसको फैमिली से कंपेयर कतई नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली तो एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट्स अ बेसिक सोशल यूनिट जिसकी वजह से समाज बनता है, और हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो वॉलेंटरी बेस पे होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं और वहाँ पे कोई कोर्जन नहीं होता है। देखिए फैमिली या मार्केट और एक बाजू है वो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और सरकार जो है उसका जो रीजन डी एट्रे जिसको हम कहते हैं, जिसका वजूद का जो कारण होता है वो है फोर्स कोर्जन। तो गवर्नमेंट जो है वो एक नेगेटिव फोर्स है, और वो नेगेटिव फोर्स की जगह वो पॉजिटिव हो गया है। उसका काम था हम हमको एक दूसरे से बचाना, अगर हम अंदर अंदर लड़े तो वो बीच में, आज वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो हमको लूट रहे हैं। ठीक है, तो मैं खाली लूज कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि अगर हमारा बजट थोड़ा बिगड़ जाएगा तो हमको पर्स टाइट करना पड़ेगा, बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, पर सरकार ऐसा कभी नहीं करती है, क्योंकि वही डिफरेंस है, हमको पैसे कमाने में मेहनत लगेगी, सरकार को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो टैक्स रेट बढ़ा देंगे और टैक्स ऑफिसर्स को हमारे पीछे लगा देंगे बंदूक लेके, हमारे घर पे रेड पड़ जाएगी, बिजनेसेस के रेड पड़ जाएगी, उन्होंने अभी ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10-10, 11-11 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मैडम इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, तो हमारी सरकार कब ये जो कम इंटरनेशनल प्राइस है उसका फायदा हमारे भारतीय नागरिकों को तक पहुंचाएगी एक्साइज ड्यूटी कम करते। तो उन्होंने जवाब तो देने की बाजू पे बात रही, वो हंस के खड़ी होके कॉन्फ्रेंस खत्म करके चली गई। तो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं कि जिनको कोई इतना इम्पोर्टेंट, इतना सीरियस, इतना लेजिटिमेट सवाल पूछा जाए और वो या तो गुस्सा हो जाती हैं या तो फिर हंस के चली जाती हैं कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो हमारे बिल्कुल उन्होंने वही सब किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, और उसका भी एक लिमिट होता है अल्टीमेटली, जब इकोनॉमी खराब हो जाएगी, जब हम कमा ही नहीं पाएंगे तो वो चुराएंगे क्या हमसे, वो लूटेंगे क्या, जिनसे लूटना है वो ही बेचारे कंगाल हुए पड़े हैं। तो जब इकोनॉमी की ही इनकम बंद हो जाएगी तो सरकार की इनकम तो बंद होगी, क्योंकि सरकार तो एक पैरासाइट है, वो एक परोपजीवी संस्था है जो हमारी मेहनत की कमाई बैठ के खाती है। जब हमारी कमाई कम हो जाएगी तो फिर जो परोपजीवी है, जो पैरासाइट है,
उसको भी तो कम होना ही, छोटा होना ही पड़ेगा। पर ये सरकार ये सब चीजें समझ नहीं रही है, उनको लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से हमको लूट लेंगे और सारा खर्चा करके सब ठीक कर देंगे। उनको एक चीज समझनी चाहिए कि उनकी एक लिमिटेशंस है, और कोई नहीं पूछ रहा है कि सरकार माई बाप होती है और उसी को सब कुछ करना चाहिए। आप लोगों पे छोड़ दो, लोग अपना अपना संभाल लेंगे और वो अपने आप काम पे लग जाएंगे। आप बस खाली अपने कायदे कानून हटा लीजिए, इकोनॉमी अपने आप ऊपर आ जाएगी, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे उतना गहरा वो खड्डे में जाते जाएंगे। वो खोद तो रहे हैं और हमें भी डाल रहे हैं, वो खुद भी उसमें जा रहे हैं, बिकॉज अगर हम नहीं रहेंगे तो वो भी तो नहीं रहने वाले हैं। तो इकोनॉमी की जो बात है जो सरकार को नहीं करना चाहिए वो सब वो कर रहे हैं, ये हमारी आज प्रॉब्लम हो गई है। जी, तो आप कह रहे थे कि लॉकडाउन के पहले ही इकोनॉमी काफी खराब थी, पर जो उन्होंने लॉकडाउन डाला है उसके वजह से आप क्या समझा सकते हैं दर्शकों कि इसकी ये और गहरा कैसे गया है? सबसे पहली बात, पहले थोड़ा बहुत तो प्रोडक्शन हो रहा था, इकोनॉमी ठंडी पड़ रही थी, बबल जो भी है वो फूट रहे थे, ऑटो सेक्टर हो गया या रियल एस्टेट हो गया, बट इकोनॉमी चल रही थी। अब लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से सारा प्रोडक्शन कंप्लीटली ठप पड़ा है, और एक दो दिन की बात नहीं है, हम 2 महीनों की बात कर रहे हैं। तो 2 महीनों में जितना प्रोडक्शन गया अब वो तो गया, अब ये अननेसेसरी था, फॉर नथिंग था। अब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वायरस के केसेस बढ़ गए हैं और उनको खोलना तो पड़ ही रहा है, बिकॉज कब तक बंद करके रहेंगे। और आज मैं सुबह पढ़ रहा था, अब तो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की कमेटी के, वो भी अब तो रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि इनडेफिनेटली आप लॉकडाउन चलाएंगे तो उसकी वजह से जो लोग मर जाएंगे वो कोरोना से ज्यादा लोग मरे हैं, उससे ज्यादा वो नंबर हो जाएगा। और ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। तो आप लॉकडाउन डाला, आपने इकोनॉमी को पूरा ठप कर दिया है, और आप देखिए कैपिटल और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को इतना इजीली स्टार्ट नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं दूसरी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही खराब कंडीशन में होते हैं, वो जब चालू कर रहे हैं तो कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं और कहीं पे मशीनरी टूट रही है, और एकदम इजीली वो कर नहीं पाएंगे। तो लॉकडाउन के पहले इकोनॉमी ठंडी पड़ रही थी, अब तो कंप्लीटली बैठ ही गई है, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने में इतना इजी नहीं रहेगा। और ऊपर से उन्होंने ये स्वयं आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है। जब मैंने कहा था लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे, मैंने आपसे बोला था कि आत्मनिर्भर रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई खुश होने की या इसमें कुछ प्राउड फील करने की कोई बात नहीं है। आज की तारीख में भारत को हर तरह की हेल्प चाहिए अगर उसको अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है। तो इकोनॉमी हमारी पूरी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, हम इंडिया में एक सू भी अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है या टेक्निकल नो हाउ है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वो सब बाहर से आती हैं, इसमें से कुछ भी होम ग्रोन नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेशन जीरो है। तो अगर आप बाहर से नॉलेज आने नहीं दोगे, बाहर से आप सामान जो भी रॉ मटेरियल है वो आने नहीं दोगे जो कि सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का है, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स कैसे अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टील बनाना है और अगर आप मुझको आयरन ओर जो है वो चाइना से मैं खरीद रहा था अच्छी क्वालिटी का लो प्राइस पे, अगर आप उसको बंद कर दोगे और आप मुझे कंपेल करोगे लोकल आयरन ओर जो है खराब क्वालिटी का और हाई प्राइस का खरीदने पे, तो मैं किस तरह से प्रोडक्शन करूंगा। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने से आत्मनिर्भर तो नहीं रहेगा पर वो भूखा नंगा हो जाने वाला है। तो इम्पोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत है। आप बुलाइए साउथ कोरियंस को, जापानीज को, चाइनीज को, और उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करें कि इसको हम कैसे बाहर निकालें इकोनॉमी को, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब चीजें, तो दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी हालत खराब है, ऊपर से ये पॉलिसी वो लेके आ गए, मतलब समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी सीरियसनेस है कि नहीं। सीरियसनेस नहीं है, मैं रेटोरिकली कह रहा हूँ, क्योंकि अगर जरा भी सीरियसनेस होती सरकार को तो वो कभी इस तरह की पॉलिसीज, आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी ऐसे टाइम पे, ऐसे नाजुक टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। स्वदेशी की बात करने का ये समय नहीं है, और स्वदेशी होने में कोई इतना गर्व करने जैसी बात नहीं है। अल्टीमेटली कोई भी जीवन जो है और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ध्येय जो होता है एंड, वो कंजम्पशन होता है, और वो कंजम्पशन फिर हम बाहर से लाई हुई चीजों का करें
या घर पे बनाई हुई चीजों का करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा वो अच्छी चीज क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए और उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, लॉकडाउन के बाद ये आत्मनिर्भर भारत करने से क्या होगा, आप देखिए, हम ट्रेड जब करते हैं तो हम शांति उसके लिए बनी रहनी बहुत जरूरी होती है। तो जहां भी ट्रेडिंग होती है वहां पीस होती है। अब आपने जैसे ट्रेडिंग बंद करी या आपने वॉल बनाना खड़ा किया, दूसरे देशों के साथ आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, आपने ट्रेड को रोक दिया, तो अब एक ही रास्ता बचता है सामने वाले कंट्री के पास आपकी चीज हासिल करने का, और वो रास्ता है वॉर का। सो जैसे फ्रीडरिक बास्तियात जो 19 सेंचुरी के लिबरल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जब व्यापार धंधे हम बंद कर देंगे, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगी, चीजें जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगी तो फिर जो सेनाएं हैं दोनों देश की वो बॉर्डर क्रॉस करके आएंगी। अब आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं करोगे, नेपाल के साथ ट्रेड नहीं करोगे, श्रीलंका के साथ ट्रेड नहीं करोगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तो उन्हें जो चीज चाहिए इंडिया से, फिर वो हासिल करने के लिए वो डेस्परेट हो जाएंगे और फिर वो आपके ऊपर हमला कर देंगे, और तब आप क्या करोगे? तो ट्रेडिंग करने से शांति बनी रहती है, ट्रेडिंग रोकने से युद्ध ही होता है। आप देखिए हिस्टोरिकली भी यही हुआ, पहले आदमी लोग बहुत लड़ते थे, हमने लड़के मार से उनके छीन लिया, उन्होंने हमको लड़के मार के हमसे छीन लिया, जो ट्राइब थे, जो आदिवासी ग्रुप्स थे, वो इस तरह से लड़ते रहते थे। अब ये लड़ाई झगड़ा कब बंद हुआ? जब हमने व्यापार करना चालू किया। अब ट्रेड की वजह से हमें जो चीज चाहिए वो हम शांति से सामने वाले से ले सकते हैं, हमारे पास जो सरप्लस बचा हुआ है हम उसे दे देंगे और उसके पास जो सरप्लस बचा हुआ है वो हमें दे देगा, तो हमें वो चीज मिल गई जो उनके पास थी और उनको वो चीज मिल गई जो हमारे पास थी, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जी, पर आपने ट्रेड, इस विषय पर जो काफ़ी लोग के विचार है वो मैं आपसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है वो बेसिकली आके हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमको बेसिकली बहुत ही लो वेजेस दे रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज हमसे छीन रहे हैं। और ऐसे ऐसे लाइंस पे काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें इकोनॉमी को बंद करना चाहिए क्योंकि ये जो भी कंट्रीज है हम पे अपने गुड्स और जो भी चीजें हैं वो डंप कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये सब बात करने का अब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है 135-40 करोड़ की, उसको सस्टेन करने के लिए हमको प्रोडक्शन चाहिए, और ये पॉपुलेशन बड़ी इसीलिए है बिकॉज हमने बाहर से ट्रेड करा है और प्रोडक्शन हमारा बड़ा है, बाहर की टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज हम नहीं बना पा रहे उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर ये भी जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल को नहीं आने देना चाहिए या स्वदेशी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए या व्यापार धंधे बंद कर देने चाहिए, अगर ये लोग लाखों करोड़ों भारतीयों की मृत्यु के लिए तैयार हैं, तो फिर आओ ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, बिकॉज जैसे ही आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कम हुआ, और मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि अगर आपने फॉरेन ट्रेड बंद करा तो आप इंडिया में सब कुछ पैदा नहीं कर पाओगे, सही में अगर बंद किया। तो देखिए ये बात अगर रेटोरिक तक रुकती है, आई अंडरस्टैंड इट्स फाइन, मतलब पॉलिसी खाली पेपर पे रहेगी तो ओके, बट पेपर पे नहीं रहेगी बिकॉज दिखाने के लिए भी उनको थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेगी, और वो ऑलरेडी काफी टाइम से करना उन्होंने शुरुआत कर दिया है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगाने का, तो लोग हमारे कंट्री में मरेंगे। अगर वो जो कह रहे हैं उनके चाहने वाले होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, तो वो क्या अग्री करेंगे कि उनके जो भाई बंधु हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके थोड़े बहुत हो कि वो बलिदान दे दे स्वदेशी तो रहने के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन कम हुआ तो पॉपुलेशन तो कम होनी ही है। अगर आप देश में सब कुछ पैदा करके 135 करोड़ की पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपको बाहर से मदद लानी ही पड़ेगी, और अगर आप में कैपेसिटी है सब कुछ यहाँ पैदा करने की तो ठीक है, अपने आप को बंद करके बैठ जाइए, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला, बट और फिर ये भी तो इससे समस्याएं होगी, अगर हम सब चीजें अपने आप बना भी सकते तो भी इससे और समस्याएं होगी, क्योंकि आप तो काफी एक्सट्रीम पॉइंट एड्रेस कर रहे हो लोग के मरने का। पर लोग, क्योंकि इकोनॉमिक्स से समझ नहीं है लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जब गवर्नमेंट दीवारें बनाता है और बाहर से चीजें रोकता है और ये टैरिफ्स जो भी ये लगाता है तो वो हमसे चोरी कर रहा है, क्योंकि जो हमें चीजें जो हमें चाहिए वो सस्ते में मिलती है और बेटर क्वालिटी की मिलती है,
उसको गवर्नमेंट आर्टिफिशियली उसका भाव जो है वो बढ़ा रहा है, और उसके बेनिफिट जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं यहाँ पे, जो इतने वो कम प्राइस में बना नहीं सकते, उनको बढ़ावा दे रहा है ज्यादा। वो बात तो है ही। मैंने क्यों आपको एक्सट्रीम बात कही, बिकॉज अल्टीमेटली वहीं पे आके बात रुकेगी। अगर हम 2-4 रुपए ज्यादा दे के जिंदा रह भी पाते हैं तो ठीक है, वो लोग समझ सकते हैं। बट अगर लोग मरने लगे फिर आप क्या करोगे? अगर आपका रिलेटिव मर गया या मेरा रिलेटिव मर गया तो क्या हम ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको दीवारें खड़ी करनी है, आपको स्वदेशी बनना है, स्वनिर्भर बनना है, आप बन जाइए, बट उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? मैं ये सवाल पूछूंगा ऐसे लोगों से जो ये सब चीजें कहते हैं। एंड आई नो जो भी भारतीय हैं उनको मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी समझ है वो अपना जो भी होगा उसको खोने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। अगर उनका अपना कोई मरेगा तो वो इमिडिएटली ये पॉलिसीज को अपोज करने लगेंगे। वो कोई मॉरल ग्राउंड पे, प्रिंसिपल ग्राउंड पे उसका अपोजिशन नहीं करने वाले हैं। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप देखिए, नोटबंदी के टाइम पे भी यही हुआ, बैंकों की लाइन में खड़े रह के 100, 200, 150 लोगों की मौत हो गई, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक भी जान जाती, अगर आप इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें या मोरालिटी के नजरिए से भी देखें, एक भी जान गई मतलब देश को नुकसान हुआ। क्योंकि ये जो मर रहे हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं है, मर रहे हैं वो कोई पाकिस्तानी नहीं है या कोई चाइनीज नहीं है, ये हमारे भारतीय भाई बंधु मर रहे हैं। अगर आप नेशनलिज्म की भी बात करते हैं, और मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ बट आर्ग्यूमेंट करने के लिए चलो इसको मान लेते हैं, तो भारतीय को मार के भारत को आप कैसे महान बना सकते हो? मुझे यही समझ में नहीं आता है। अगर आपका कोई, अब क्योंकि वो गरीब मर रहा है तो किसी को कोई पड़ी नहीं है, अब अमीर का घर टूटेगा तो वो चिल्लाएगा, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब आप देखिए आज की तारीख में बहुत देर हो चुकी है। हम जब 10 साल से पहले या 15 साल से बातें कर रहे हैं तो किसी ने सुनी नहीं। तो अगर आपको स्वदेशी रहना है तो आप बिल्कुल करिए, पर ये तैयारी जरूर रखिए कि लोग मरेंगे। अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप करिए, बिकॉज एक अर्थशास्त्री के नाते मैं आपको खाली यही चीज बताऊंगा कि आप ये काम करेंगे, ये एक्शन लेंगे तो उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस आने ही वाला है। और अगर आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करने के लिए या उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप इसको 2 बार 4 बार 50 बार सोचिए गंभीर रूप से कि इसके परिणाम, जिसको हम कहते हैं इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और अनइंटेंडेड के कॉन्सिक्वेंसेस, दिखने वाले और नहीं दिखने वाले परिणाम जो हैं, सीन और अनसीन इफेक्ट जो हैं, उन दोनों को तोल माप के फिर देखिए कि इसका कॉस्ट ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। और अगर कॉस्ट बेनिफिट लोगों की लाइफ जो है उसमें अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा है कॉस्ट तो लॉस है, ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट मत करिए। तो ज्यादा प्राइस देने की तो डेफिनेटली बात आती है, और खराब क्वालिटी का माल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरर का। और अल्टीमेटली मैंने जैसे कहा लास्ट जब भी हमने बात करी थी, तो वहां मैंने आपको बोला कि हमारा कल्चर जो है वो स्टेग्नेट हो जाएगा और भारतीय समाज सड़ जाएगा, बदबू मारेगा और फिर ढह जाएगा। वो वही हम देखते आ रहे हैं आज तक। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं लास्ट टाइम नहीं बता पाया वो मैंने अब आपको बताई कि युद्ध होगा। आप ये मत समझ के बैठे रहिए कि आपने चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया तो चाइना चुप करके बैठ जाएगा। नहीं, चाइना भी नेशनलिस्ट है, वहां के लोगों में भी अपने देश के लिए प्रेम है, जो भी है आप जो भी समझ रहे हो देश प्रेम को, सच्चा झूठा, तो वो भी तो अपने देश को बचाने के लिए जान पे आएंगे। और जब वो जान पे आएंगे फिर आप क्या करोगे? ये जितने भी वॉरियर्स हैं फेसबुक पे बैठे हुए या व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं जो बातें कर रहे हैं, क्या इनमें हिम्मत है कि वो अपने हाथों में बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके चाइनीज फोर्सेस से लड़ेंगे? आप देखिए ऑलरेडी वो लद्दाख बॉर्डर पे काफी एग्रेसिव हुए जा रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से मे भी थोड़े बहुत एरिया ले भी लिए होंगे, हमको कोई बता नहीं रहा है। मैंने न्यूज पढ़े हैं कि भारतीय सैनिकों को बहुत मार भी पड़ी है, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, पर ये खबर हम तक आ नहीं रही है। तो कल को जाके अगर चाइना इंडिया को इन्वेड करता है, अटैक करता है, तो क्या आप लड़ने को तैयार हो अपनी बॉर्डर को सेव करने के लिए? अगर आप लड़ने को तैयार हो, अपनी जान न्योछावर अपनी भारत माता के लिए करने को तैयार हो, तो आप डेफिनेटली स्वदेशी बन जाइए। अब एमएनसी को भगा दीजिए, और रिमेम्बर एमएनसी को यहाँ आने देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर से सामान खरीदिए ना, किसने बोला? और एक ये भ्रम अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि भारत में बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। कोई
कोई आने भी नहीं वाला है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। जो बेचारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनकी हालत इतनी खराब हुई है, तो बाहर से तो कोई पागल होगा वही इंडिया में धंधा करने के लिए आएगा। तो लोग सोच रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनी कुछ 50 नंबर कुछ बोला जा रहा है, कुछ 50 कंपनियां अमेरिका की निकल के चाइना से निकल के इंडिया में आने वाली है, मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूँ इंडिया में कोई क्यों आएगा, जबकि यहाँ पे इतनी हालत खराब है। यहाँ भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, सरकार की पॉलिसियों का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं है। कल को जाके सरकार सब कुछ नेशनलाइज कर दे, किसी को मालूम नहीं है। बातें ऑलरेडी उड़ रही हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी बिजनेसेस को ऊपर से ऑर्डर दे रही है कि आप इनको वेजेस दीजिए, आप उनको ये करिए, आप उनको वो करिए। अब ये बताने वाले वो कौन होते हैं? क्या पॉलिटिशियंस, क्या बिजनेसमैन है? क्या उनको मालूम है क्या धंधा कैसे करना है? बैंक को वो बता रहे हैं कि आप इस सेक्टर को लोन दीजिए, उस सेक्टर को लोन दीजिए। आपको आता है कि आप बैंकर है क्या? आपको पता है क्या किसको लोन चाहिए किसको नहीं चाहिए, कौन क्रेडिट वर्दी लोन मांगने वाला है और वो कौन क्रेडिट वर्दी नहीं है? फिर जबरदस्ती करा करा के लोन दिलवाएंगे, फिर जब लोन वापस नहीं आएगी तो बोलेंगे एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़े जा रही है। फिर पैसे छाप छाप के बैंकों को देते जाएंगे और उसमें इन्फ्लेशन जो है, उगावा जो है, वो बढ़ता जाएगा। जी, तो तो हम यही आप देख रहे मुझे हैं अभी जो भी चल रही है चीज़ें, कि सरकार ने हमें हमारे लिए बहुत समस्याएं खड़ी की है, और ये समस्याएं खड़ी करके खुद ही वो बेसिकली हमारे सभी लाइफ के जो भी एरियाज है उन पे उनका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं वो। तो अभी आपने इम्पोर्टेंट बात की इन्फ्लेशन की, तो एक साइड पे तो उन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत की मेन बात कही है इसके रिस्पॉन्स में, और दूसरी साइड पे ये बड़े बड़े बेल आउट पैकेजेस निकाल रहे हैं और यू नो पैसे प्रिंट करने वाले हैं। तो इसका जो परिणाम है वो क्या होने वाला है अर्थशास्त्र पर? देखिए, इसका परिणाम यही होगा कि जब पैसों की जो सप्लाई होती है वो जब बढ़ती है उसके डिमांड के कंपैरिजन में, तो उसका परचेजिंग पावर जो है, उसकी जो खरीद शक्ति है वो कम हो जाएगी। उस पैसों की खरीद शक्ति का कम हो जाना मतलब चीजों का महंगा हो जाना। जिस क्योंकि पैसा जो है, जो मनी है, वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, उससे आप हर चीज को खरीद सकते हैं। जब उसकी खरीद शक्ति कम हो जाएगी तो अब आपको सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इसको हम प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो मनी सप्लाई और क्रेडिट का बढ़ना, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो प्राइस कीमतें बढ़ेंगी वो उसकी एक इफेक्ट है, उसकी एक असर है। तो इमीडिएटली, और ये ऑलरेडी होने लगा है, हम देख रहे हैं कि चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ आई थिंक मैंने कोई साल ऐसा नहीं देखा है जब चीजों की कीमत कम हुई हो। तो इन्फ्लेशन, तो इंडिया की इकोनॉमी तो हमेशा से इन्फ्लेशनरी रही है, और वो जो इन्फ्लेशन पहले धीरे धीरे क्रीपिंग था, बढ़ता था, अब गैलोपिंग हो गया है, फास्ट बढ़ने लगा है। और जैसे एक लेवल वो क्रॉस करेगा, जैसे मैंने कहा था, एक्सपेक्टेशन पे फीड करेगा, लोग सोचेंगे कि भाव बढ़ेंगे, वो खर्च करेंगे और उससे और प्राइस बढ़ेंगी, और वो सोचेंगे और प्राइस बढ़ेंगी, और इस तरह से वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्पेशली जब आपका प्रोडक्शन ठप हुआ पड़ा है, आप लोगों के हाथ में पैसे देने की बात कर रहे हैं। अब जितने भी अर्थशास्त्री हैं, अभी नोबेल प्राइज मिला है अभिजीत बैनर्जी देख लीजिए, अमर्त्य सेन को देख लीजिए, या रघुराम राजन है, सब बोल रहे हैं कि आप गरीबों को पैसा दे। कांग्रेस अभी कह रही थी कि आप पैसे हाथ में दे दीजिए। अब हाथ में पैसे देने से कोई अमीर थोड़ी बन जाने वाला है। जो चीज उन्हें खरीदनी है वो ही तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हम पैसे थोड़ी खाने वाले हैं। अगर पैसे दे के ही हमारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आ जाती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो कब की गरीबी हम दूर कर चुके होते। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो डिक्लेयर किया है, वो आप क्यों इधर उधर खर्चा कर रहे हो? 20 लाख करोड़ तो 135 करोड़ के लिए बहुत हो जाते हैं। अब 20 लाख करोड़ को 135 करोड़ से डिवाइड करें तो पर हेड तो लाखों करोड़ों आएंगे। तो हम सब इंडियन के खाते में करोड़ों रुपए जमा कर देते हैं जनधन अकाउंट में, और फिर तो हम सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। हम सब बैठ के खाएंगे, हमें कुछ काम ही करने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर के लिए। पर ये बात आप इमिडिएटली समझ सकते हो कि कितनी इलॉजिकल है। तो अगर ये बात इलॉजिकल है, तो पैसे छाप के 1500 1000 रुपए देने वाली बात भी इलॉजिकल ही है। जी, और अगर यहाँ हम दोनों समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, पर कोई अभी जो इंग्लिश नहीं समझते, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब नहीं समझते, उसका अर्थ आप समझा सकते हो? उसका अर्थ ये है कि
चीजों की कीमतें हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हो सके तो आप अपने वीडियो में बीच में वो जिम्बाब्वे की 100 ट्रिलियन डॉलर की नोट का फोटो दिखा दीजिएगा। मैं जर्मनी की बात करता हूँ, जब 1920s में जर्मनी वाइमार रिपब्लिक जो था वहां पे जब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी जैसे ही होती है तो आप सीधे भागेंगे मार्केट में चीजें खरीदने के लिए, क्यों? बिकॉज उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुकान के सामने खड़े हैं लाइन में और आपको खरीदना है 1 किलो चावल, और आप जब लाइन में लगे हैं तो 1 किलो चावल की कीमत है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया। अब हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है बहुत सारे जीरो पीछे लगे होंगे, बट उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। 1 किलो जो आपका राइस है वो पहले अगर आप नॉर्मल टाइम पे लेने जाते तो 100 रुपए में आता, वो 8 लाख में आएगा। अब आप खड़े हैं लाइन में, 5 मिनट के बाद जब आपका नंबर लगा तो वो 1 लाख का हो गया 1.5 लाख रुपया। वो इस तरह से वो कीमतें बढ़ती हैं एवरी आवर, राइट, एवरी डे। वो कंटिन्यूसली प्राइस जो लिस्ट है उसको अपडेट करनी पड़ती है, जीरो लगते ही जाते हैं लगते ही जाते हैं। तो वो नोटें छपती जाती हैं, जीरो लगते ही जाते हैं, कीमतें बढ़ती जाती है। तो आप जिम्बाब्वे में देखिए, जब 2007-8 में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, जो लेटेस्ट एपिसोड था उसमें उन्होंने लास्ट जो नोट छापी थी वो थी 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की। अब ट्रिलियन के पीछे 13 जीरो लगे होते हैं, तो वो 100 ट्रिलियन डॉलर जिम्बाब्वे डॉलर का यूएस डॉलर में 1 डॉलर जितना कुछ होता था वैल्यू, और वो लेके आप अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको मे बी 1 अंडा मिलेगा या 1 टमाटर मिलेगा, और आपका बिल जो होगा, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे और फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में हो, आपने बार में जाके बियर पी, तो बियर का भाव होगा 15 बिलियन रुपया, राइट, या 15 करोड़ रुपए की एक बियर की बोतल। आपने खाना खाया, कुछ मंगवाया, तो उसका डिश का भाव होगा 20 करोड़ रुपया, और आपका टोटल बिल कुछ आएगा 35 करोड़ रुपया, और उसमें GST लगा होगा 10 करोड़ रुपया, और टोटल बिल आएगा 45 करोड़ रुपया। अब ये खाली जीरो लगे हुए हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मनी, जो उसका फंक्शन है एक्सचेंज को स्मूथ करने का, वो खो देगा। अब इतने जीरो लगे हुए हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? अल्टीमेटली उसको लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जिम्बाब्वे में जैसे हुआ, उन्होंने जिम्बाब्वे डॉलर को बंद कर दिया इस्तेमाल करना। जिम्बाब्वे के जो लोग थे वो ऐसे पोस्टर लेके खड़े रहते थे कि जिम्बाब्वे डॉलर जो है वो टॉयलेट पेपर से भी उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसको तो हम अब टॉयलेट पेपर की तरह भी कैसे यूज करेंगे। और वो यूज बंद होना तो एक ही परिणाम है उसका, पर क्योंकि लोगों को जो फाइनेंस और अर्थशास्त्र की समझ नहीं है तो वो ये समझ नहीं पाते कि जो जीरो बढ़ रहे है वो उनको बहुत गहरे तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज का दाम ऐसे तेजी से बढ़ेगा तो वो जो पैसा होल्ड कर रहे हैं उनकी साइड पे उसकी वैल्यू घटती जाएगी, और वो बेसिकली हमसे चुराया जा रहा है, जो लोग काफी समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि टैक्स होता है जो इनकम टैक्स वाले हमसे आते लेते हैं, पर ये भी एक छुपा हुआ टैक्स है जिसका हम हिडन टैक्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। और हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो लाखों करोड़ों गुना टैक्स परसेंट हो गया। अगर आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट 10% चल रहा है तो वो 10% टैक्स हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं और उस पे सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% के रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट है 10%, तो आप हर साल 4% से आप वो कमा नहीं रहे हो, 6% से आप उसको गवा रहे हो, बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट आपको निकालना पड़ेगा इन्फ्लेशन को माइनस करके। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हम नोट तो खाएंगे नहीं ना, ऐसी रुपये की खाली यही एक फंक्शन है कि वो हमको जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है वो खरीदने के काम आता है। अब वो जब खरीदने की उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, जब वो कम खरीद पाएगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या रही? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल का दाम आज 10 रुपये और वो आज 100 रुपये हो गया है, तो वो आज का 100 रुपये कल का 10 रुपये के बराबर ही हो, मे बी उससे कम है। सो दैट मीन्स वॉट, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो आप उसको टैक्स के तरह से डेफिनेटली देखें। और ये सरकार के पास एक बड़ा खतरनाक साधन होता है, ऐसी टैक्स सीधे सीधे डालेंगे तो वो पेन पिंच लगेगा, लोग इमीडिएटली इसके सामने रेबेल करेंगे। तो कोई गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स बढ़ा के फॉर एग्जांपल 50% कर देती है तो कल धमाल चालू हो जाएगी। पर इन्फ्लेशन का ऐसा है
कि वो हमको बिना बताए हमारी पॉकेट में जो मनी बैठी है उसका पावर कम कर रहे हैं, और वो परचेजिंग पावर वो हमसे चुरा रहे हैं। तो जो हम खर्चा करने वाले थे अब वो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और वो अपने जो भी साथी हैं जो भी क्रोनीज हैं उनको वो पैसा दिए जा रही है। तो इससे इनक्वालिटी बढ़ती है, और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, गरीब तो मारा ही जाएगा, जिसके पास आमदनी का और कोई सोर्स ही नहीं है वो कहाँ से लाखों करोड़ों रुपए लेके भी आएगा। वो तो अभी भी और आप वैसे ही जो कह मर रहा रहे है, हो क्योंकि ये जो भी डेली वेजेस पे रह रहे हैं उनको तो मार ही दिया ऑलमोस्ट। और मध्यम वर्ग भी मरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आज की तारीख में खाली रुपयों की नोट ही पड़ी है, आप नोटबंदी को देख लीजिए ना, लोगों के घर में करोड़ों रुपए पड़े हुए थे 500 हजार की नोट में, और रात को नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि अब ये कागज के टुकड़े हैं खाली। तो अगर आप खाली उसी के भरोसे बैठे तो आप तो रोड पे आ गए सीधे, अब आप उसको कैसे बैंक में जाके करेंगे भी। अब ये तो अलग बात है कि इंडिया में जुगाड़ होता है तो लोगों ने बैंक मैनेजरों से जुगाड़ करके सब कुछ अपना कर लिया, बट अगर हमारे पास ऐसे कांटेक्ट नहीं है तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे। तो इन्फ्लेशन एक टैक्स होता है, हिडन टैक्स होता है जैसे आपने कहा, और उसकी वजह से ये मरने वाले हैं सब लोग। तो ऐसे माहौल में अगर आपके पास कुछ ठोस चीज नहीं है जैसे सोना हो गया या चांदी हो गया, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। तो ये जो पैसे छाप के जो रिस्क ले रहे हैं, आरबीआई ने जो 8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन डॉलर छापे हैं, ये रिस्क हमको बहुत भारी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल सही। तो अब हम इनके परिणाम आई थिंक जो दर्शक है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी इनके लिए सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि हमने मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत ही डिस्कस कर दिए, पर ये जो भी समस्या आने वाली है कुछ सालों में, उनको फेस करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए दर्शक क्या कर सकते हैं अपनी खुद की जिंदगियों में? देखिए, पहली बात है फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने के लिए कैश बैलेंस रखना जरूरी है, और कैश हो सके तो हार्ड कैश रखें, इन द सेंस प्रेशियस मेटल्स में रखें, सोना चांदी में रखें। बैंक में एक्सपोजर कम से कम रखें, बिकॉज सारी की सारी बैंक जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, और हर समय वो इनफैक्ट इंसॉल्वेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की तारीख में हम सब एक साथ बैंक में जाएंगे डिपॉजिटर्स और अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो वो हमें नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो सारा पैसा वो दूसरों को लोन दे चुके हैं, और ये सारी लोन वापस नहीं आने वाली है। तो बैंक में पैसे रखना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है, तो जितना हो सके उतना कम एक्सपोजर रखे। नाउ आई अंडरस्टैंड के बिना बैंक के आप चला नहीं सकते हैं, तो जितना हो सके उतना कम एक्सपोजर रखे। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है तो जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो या फॉरेक्स मार्केट हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, या बिटकॉइन हो, या कुछ भी हो, आप उसको समझिए, बिकॉज एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि जिस चीज में आपको समझ नहीं आती है आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आप ऐसे घर पे बैठ के नहीं ऐसे सोच सकते, किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई एजेंट आके सब अच्छा कर जाएगा, तो सब भरोसे के लायक नहीं होते हैं। अगर आप जानते हो किसी को जो आपके भरोसे के लायक हो तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, पर अननोन जो होगा तो आप उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। और उसने अगर कल को जाके पैसा आपका डुबा दिया तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना ही पड़ेगा, और ये जो आपको मोस्ट समझना। म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं वो बेसिकली गोल्ड या ये ऑप्शंस हमें सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड से उनको कट मिलता है उनका, तो ये मतलब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले मेरे आईसीआईसीआई बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आप इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में। मैं उनको सवाल पूछता हूँ, उनके पास कोई जवाब नहीं होते हैं, बट वो मुझे पुश करते रहते हैं। और जब मैं आप उनको एक बार बताता हूँ कि मैं भी अर्थशास्त्री हूँ और मैं भी समझता हूँ, तब वो जाके ठंडे होते हैं। ये जो सब काम कर रहे हैं सिस्टम में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आती है। वो अपना कमीशन देख रहे हैं, उनका टारगेट क्लियर हो गया, खत्म हो गया, आपको वो भूल जाएंगे। तो ऐसे माहौल में आप अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो आप अपने आप को एजुकेट करें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कल को जाके सब कुछ खो भी गया तो अब अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखिए। अब अपना ध्यान रखिए, अपने आप में अपना टाइम और पैसों को इन्वेस्ट करिए,
आप अपने आप को शांत रखें, स्ट्रेस को दूर रखें, हेल्दी रहिए फिजिकली, ताकि अगर कल को जाके सब कुछ चला भी जाता है, सब लूट भी जाता है, तो हमारे हाथ पैर अगर सलामत होंगे तो हम कम से कम नई दुनिया तो बसा सकते हैं। पर अगर हम फिजिकली और मेंटली वीक होंगे तो फिर जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप को मेंटेन करें, ऐसे रिलेशनशिप जो आपको ऐसे टाइम पे काम में आए, राइट? बिकॉज एक दूसरे का सहारा हमको बनना है। आप सिस्टम से बिल्कुल उम्मीदें लगाना बंद कर दीजिए, बिकॉज सिस्टम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाली है। हमको एक दूसरे को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपना नेटवर्क स्ट्रांग बना के रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को एजुकेटेड रखें, अपनी स्किल डेवलप करते रहिए, आप मार्केट पे ध्यान रखिए। रिमेम्बर, जितनी तकलीफें आने वाली है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है, पैसे बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। पर उसके लिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। जहां पे हर्ट जा रहा है, अगर आप वहां नहीं जाएंगे, कॉन्टेरेरियन थिंकिंग रखेंगे, मौके खुल रहे हैं आप उस मौकों को पकड़ लेंगे, आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे हो सकता है, तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत वेल्थ इसमें से बना। बिकॉज ये जो हम इवेंट देख रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है और ऑलरेडी चालू हो गया है। आप देखिए, बड़े बड़े टेक कंपनियों ने अभी कोरोना वायरस में बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। तो हमें भी इनकी तरह सोचना पड़ेगा, हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, और जो लोग सोच रहे हैं, क्राउड है, उससे हटके थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम के साथ चलेंगे, हर्ड के साथ मेंटालिटी रख के चलेंगे तो नुकसान ही होने वाला है। तो जी आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट आपको अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, एजुकेटेड रखना पड़ेगा और हेल्दी रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सारी सही। चीजें हैं। आप अपने आप में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सोना चांदी पास में रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स को साथ रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने डियर और लाउड वंस या नेटवर्क को बना के रखें। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और इसमें से बाहर निकल पाएंगे। सरकार से या किसी और संस्था से जो भी है, बिल्कुल आप उम्मीद ना रखें। गवर्नमेंट से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। अगर आज आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार आपकी मदद करेगी, तो फिर आई डोंट नो, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल सही। मेरा सजेशन भी व्यूअर्स के लिए यही रहेगा कि ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं वो सब बातें सही है, पर सोने चांदी के ऊपर भी मेरा लोगों को सजेशन ये रहेगा कि बिटकॉइन में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करें और उसके बारे में जानें, क्योंकि जो भी गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी सप्लाई कम है, स्कैर्स है वो, और उसका बेसिकली उसको उस बेसिकली आपका परचेजिंग पावर वो सेव करके रखती है। जो पैसा हमसे चुराया जाता है, जैसे मधुसूदन जी ने समझाया, वो गोल्ड या बिटकॉइन में नहीं चुरा सकते क्योंकि उसकी सप्लाई कोई बढ़ा नहीं सकता। और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो बिटकॉइन और गोल्ड में कॉमन है। तो मैं निवेश करने के लिए किसी को नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है गोल्ड और सोने चांदी के ऊपर, जो आपको वैल्यू दे सकता है रियल लाइफ में। और ऑब्वियसली नेटवर्क स्ट्रांग बना के रखिए अपना। मेरे हिसाब से अपना फूड सप्लाई सिक्योर करने की काफ़ी ज़रूरत है, जिस तरह से चीजें जा रही है। तो अगर आपके पास कुछ लैंड है खाली या कुछ भी प्लॉट है, तो उस पे फार्मिंग या मतलब वगैरह करना, उसके बारे में थोड़ा और ध्यान दे। और बस आई थिंक इसके अलावा तो हमें अपने साथ जुड़ के काम करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। जी बिल्कुल, तो हमारे मधुसूदन यहाँ गन जी तो रख नहीं सकते हैं, बिकॉज बिकॉज सिक्योरिटी बड़ा इशू हो जाएगा। तो अगर कुछ हथियार हमारे पास होगा, तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोना चांदी है, तो क्राइसिस के टाइम पे लूटने का ज्यादा चांस रहेगा। अब कुछ हथियार होगा तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, बट हमारे यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कोई सेफ जगह पे भागने की के लिए भी आप तैयार रहे, अगर हो सके। सिटीज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रायट्स अगर होते हैं सिटीज में, जैसे हम अमेरिका में अभी देख रहे हैं, तो किसी गांव में कुछ घर रखा हुआ है या जैसे आपने बोला जमीन है, तो किस वहां पे जाके रह सकते हैं, वहां पे खेती बाड़ी को ना फार्मिंग करके भी जिंदगी चला सकते हैं। जी बिल्कुल सही। तो इसी नोट पे हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। बहुत धन्यवाद फिर से शो में आने के लिए और आपके विचार सामने रखने के लिए। अगर आप दर्शकों को सब बता पाएंगे कि वो उनको और जानना है आपके बारे में और आपकी रिसर्च के बारे में, तो वो कहाँ पढ़ सकते हैं उसके बारे में? योहान, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मीजीज इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसकी वेबसाइट है MisesIndia.in। तो जितना भी मैं लिखता हूँ या जितना भी मैं बोलता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है।
मेरा खुद का एक YouTube चैनल है, आप मेरा नाम YouTube चैनल पे सर्च करेंगे मधुसूदन राज, तो आपको वो चैनल मिलेगी। वहाँ पे मैं अपने खुद के वीडियो एनालिसिस रखते रहता हूँ पीरियोडिकली, तो वहाँ भी वो जान सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में और सोसाइटी में क्या चल रहा है। और मिसेज इंडिया में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप चलाते हैं। इकोनॉमिक्स पे वर्कशॉप चल रहा है हमारा, लिबर्टेरियनिज्म पे वर्कशॉप चल रहा है, मनी बैंकिंग पे है। एक हफ्ते का हम मिसेज ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन कोर्स का प्रोग्राम चालू करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अगर आपके दर्शक मित्र जो भी हैं, पर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली उनको अभी सूरत आना पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो सूरत आ सकते हैं तो वो बिल्कुल आए और ये प्रोग्राम्स अटेंड करें, तो उनको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, इंटरेक्शन होगा। तो और अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। मैं वर्कशॉप में खाली एक इंट्रोडक्शन दे के बेस बना सकता हूँ, अगर आपको समझना है तो खुद ही करना पड़ेगा। और अगर किसी को भी, आपके दर्शक मित्रों में से किसी को भी ज़रूरत हो, तो आप मेरा नाम सजेस्ट कर सकते हैं और वो मुझे लिख सकते हैं, मैं उनको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा उतना। जी बिल्कुल, मुझे भी यही फीडबैक मिला है इस इन्फॉर्मेशन को लेके कि एक तो ऑब्वियसली यही है कि कुछ हम ऑनलाइन कोर्स कर सके जिससे लोग सीख सके, तो वो बेहतर रहेगा, स्पेशली अभी जहाँ पे हमारे मूवमेंट पे इतने रिस्ट्रिक्शन और रोक लग रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो भी कंटेंट है वो सब इंग्लिश में है, इसलिए ऑब्वियसली मैंने ये इंटरव्यू शुरू किया है, और हम फ्यूचर में भी काफ़ी करेंगे जहाँ पे हम दर्शकों को हिंदी में ये सब बातें समझा सके। पर क्या आपके कोई प्लान्स है? जो भी आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली ट्रांसलेट करना, पर जो भी हमारे प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जिन जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं इन विषयों पर, जैसे वॉल्टर ब्लॉक है, मरे रॉथबार्ड है, उनके राइटिंग्स को ट्रांसलेट करना हिंदी में, क्या ये हम इनके बारे में सोच रहे हैं अभी? अब उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और डेफिनेटली प्लान है। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों ने फ्रैंक कास्टन की एक किताब है बियॉन्ड डेमोक्रेसी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की शुरुआत करी हुई है, पर वो काम थोड़ा धीरे चल रहा है बिकॉज हमें खुद करना पड़ रहा है और एक्सपर्ट को हायर करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उतना रिसोर्सेज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर फ्यूचर में जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते जाएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन तो करना पड़ेगा। पर मैं ये भी बताऊंगा आपके दर्शक मित्रों को कि वो प्लीज इंग्लिश को समझने की और जानने की कोशिश करें, बिकॉज जितना भी अच्छा लिटरेचर है दुनिया का वो फॉरेन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और आज की तारीख में इंग्लिश तो काफ़ी नॉर्मल हो गया है। और मैं तो ये एडवाइस करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वो फ्रेंच भी सीखें या जर्मन भी सीखें, बिकॉज बहुत सारे अच्छे विचार जो हैं वो उन लैंग्वेजेस में भी हैं। तो अगर हो सकता है तो वो अपने आप को भी काबिल बनाएं, जो भी आपके दर्शक मित्र हैं। आज की तारीख में बैठे रह के ये सोचना कि सब हाथ में मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। हमसे जितना होगा हम डेफिनेटली करेंगे, बट फिर हमारे भी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन होते हैं, तो उसके दायरे में रह के ही हम काम कर सकते हैं। पर जितना होगा उतना हम डेफिनेटली करेंगे। हम अपने तरफ से, आप एक कदम बढ़ाइए तो हम दो कदम बढ़ाएंगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा हूँ। मैं आपको गाइड करता रहूंगा यहाँ से बैठ के। आपको यहाँ पे आके प्रोग्राम अटेंड करने हैं, आप बिल्कुल अटेंड करिए। आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसमें हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के कोई चला नहीं सकता है। हमारा काम है रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पे अगर आपको लगता है कि वो रास्ता सही है तो उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपके जितने भी दर्शक मित्र हैं कि वो भी थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे, बिकॉज अगर एक अच्छी दुनिया बनानी है तो उसके लिए हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को पहले काबिल बनाना पड़ेगा, एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, और तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर हम खुद वीक रह जाएंगे तो फिर हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। जी हम बिल्कुल, डेफिनेटली हेल्प करेंगे जितना हो सके उतना। जी बिल्कुल सही। सो मेरी दर्शकों से यही दरख्वास्त रहेगी कि जो भी क्षमता रखते हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर विश्वास रखते हैं, तो मधुसूदन जी को अगर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे तो वो काफ़ी काम कर पाएंगे। तो अगर आपको डोनेट करना है तो उनकी साइट पे वो आप जाके कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको कंसिडर करना। और डेफिनेटली सिर्फ आर्थिक रूप से हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, हमारी मदद करनी है तो इन आइडियाज को समझो, जानो और फिर उनको फैलाओ, ताकि
और लोग इसके बारे में समझ सके, और जितने लोग इनको समझेंगे उतनी हमारी सोसाइटी और फ्री रहेगी, और उनपे हम इतने ही हम पे रोक कम लगेंगे, क्योंकि ये जो भी दुनिया में चल रहा है वो मेनली दिमाग के मैनिपुलेशन और विचारों के मैनिपुलेशन पे चलता है। तो अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें उन विचारों को पहले समझना पड़ेगा और उनको दुनिया में यूज करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच मधुसूदन जी आने के लिए, और आई होप हम फ्यूचर में भी काफ़ी वीडियोस करेंगे जिससे दर्शकों को इन सब विषय पे ज़्यादा समझ डेवलप होगी। धन्यवाद योहान मुझे बुलाने के लिए। डेफिनेटली आपसे बात करने में मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है, तो आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके साथ, जो भी आपसे बात करनी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी धन्यवाद, गुड नाइट।